मुंबई इंडियंस की खिताबी जीत के साथ वुमेन्स प्रीमियर लीग भी अब खत्म हो चुका है। भले ही ये वुमेन्स आईपीएल का पहला सीजन था, लेकिन बिना किसी कमी के ये टूर्नामेंट काफी सक्सेसफुल अंदाज में खत्म हुआ। इस दौरान हमें कई रोमांचक मुकाबले भी देखने को मिले और कई नए चेहरे भी निखर कर सामने आए। आइए जानते हैं कौन से हैं वो छुपे रुस्तम जिन्होंने इस WPL में अपना सिक्का जमाया है। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी और आप देख रहे हैं क्रिकेट एडिक्टर। विमेंस प्रीमियर लीग में हमने दुनिया भर से खिलाड़ियों को आते देखा। कुछ एक्सपीरियंस थे तो कुछ नहीं। लीग की पॉपुलैरिटी तो कुछ इस कदर थी कि मैच के दौरान स्टैंड से खचाखच भीड़ भी नजर आई। इतना ही नहीं, WPL का पहला ही सीजन इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि इसकी व्यूअरशिप बाकी विमेंस लीग से कहीं ज्यादा रही। और इस बात का क्रेडिट जाता है इस टूर्नामेंट के हर एक प्लेयर को। जहां आपने हरमनप्रीत कौर या मैग लैनिंग जैसे फेमस खिलाड़ियों को तो पहले भी शानदार परफॉर्म करते देखा होगा, लेकिन इस बार कुछ ऐसे खिलाड़ी भी लीग में चमके हैं जिनकी परफॉर्मेंस को देखकर सब हैरान रह गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की ढांसू खिलाड़ी साइका इशाक की। वो बिना किसी डाउट के WPL की परफेक्ट फाइंड है। साइका ने अपनी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी से इन 3 हफ्तों में खुद को स्टार बना दिया है और उसने मैग लैनिंग, एलिसा हिली जैसे दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों का विकेट हासिल किया है। उन्होंने WPL में 10 मैच खेले हैं और इस दौरान 15 विकेट भी लिए हैं। मजे की बात तो ये है कि साइका इशाक को सिर्फ 10 लाख रुपए में मुंबई ने टीम में शामिल किया था। हो सकता है कि अब आने वाले टाइम में वो जल्द ही कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की जगह भारतीय टीम में हमें खेलती नजर आए। उन्होंने U19 और U23 बंगाल की टीमों से शुरू करते हुए काफी समय से डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है और अब जाकर ये अनमोल चेहरा पूरे देश के सामने आ चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले खिलाड़ी की ओर। तारा नॉरिस WPL में खेलने वाली एक एसोसिएट नेशन से इकलौती खिलाड़ी थी और इस टूर्नामेंट में वो एक बात साबित करने आई थी कि एसोसिएट खिलाड़ियों को भी दुनिया की सबसे बड़ी लीग में मौका मिलना चाहिए। तारा नॉरिस को भी दिल्ली कैपिटल्स द्वारा 10 लाख रुपए में ही खरीदा गया था और RCB के खिलाफ WPL में खेले गए पहले मैच में उन्होंने एलिसा पेरी, हेदर नाइट, सोफी डिवाइन के विकेट लिए और कुल 5 विकेट भी लिए। WPL तारा ने 7 विकेट लिए, हालांकि उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले। इस लिस्ट में अगला नाम इजी वोंग का है। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने WPL की पहली हैट्रिक भी ली थी। उन्होंने 10 मैचेस में 6.46 के इकोनॉमी रेट से 15 विकेट अपने नाम किए थे। साथ ही इजी ने 132.6 के स्ट्राइक रेट से 61 रन भी बनाए थे। फील्ड पर वोंग जिस एनर्जी से आती थी उसने सबको उनका दीवाना बना दिया। दीवाना तो DC की शिखा पांडे ने भी अपनी बॉलिंग से बनाया। वो WPL से सभी पेसर्स के बीच तीसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी। पांडे ने 9 मैचेस में 6.59 के इकोनॉमी रेट से 10 विकेट्स अपने नाम किए। आखिरी नाम इस लिस्ट में पार्श्वी चोपड़ा का है। हालांकि उन्हें ज्यादा मैचेस में मौका तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से अपना नाम जरूर और एक इंपैक्ट जरूर क्रिएट किया है। और मुंबई के खिलाफ पहले मैच में उनका 0/35 बॉल्स का स्कोर उनके बॉलिंग से जस्टिस नहीं करता। हेमलता और एशले गार्डनर दोनों को खारिज करने के लिए रॉन्ग ऑन का उपयोग करते हुए उन्होंने सही मायनों में अपनी काबिलियत दिखाई। खैर, हमने तो आपको 5 खिलाड़ियों से रूबरू करवाया। हालांकि WPL में हर एक सितारा खूब चमका है और सबने अपनी पूरी जी जान लगा दी है। अब देखना ये होगा कि ये चेहरे और कितना दूर जा पाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।